हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। यूपीपीएससी एई और बीपीएससी एई के लिए हम लोग जनरल हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे पहले मैंने सेट वन अपलोड कर दिया था। सेट टू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड, जो कि होता है वर्तनी स्पेलिंग। अब वर्तनी या स्पेलिंग क्या होता है? जो ग्रामेटिकली हम मिस्टेक होता है लिखने में, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होते हैं वर्ड में, उसको बोलते हैं हिंदी में वर्तनी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब इंग्लिश में क्या है, हम लोग हैबिचुएट हो चुके हैं इंग्लिश में वर्ड को देखने के लिए, तो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग तो मिस स्पेल अगर है तो हम इजीली समझ जाते हैं कि ये मिस स्पेल्ड है। लेकिन हिंदी क्या है, प्रैक्टिस छूट जाने की वजह से हिंदी में वर्तनी बहुत मुश्किल होता है कि ये आकार छूट गया है या हर्षी छूट गया है या दीर्घी छूट गया है या ऊ छूट गया है। इसके लिए आपको इसमें करना क्या है, सिम वर्तनी शुद्धि संबंधी एक या दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, हर एक एग्जाम में। इसमें आपको करना क्या है, आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। इसमें इसका कोई इसमें तो याद करना है खाली और देखना है, क्योंकि ये वर्ड हमारे नज़रों के सामने से बहुत दिनों से आया नहीं हमारे नज़रों के सामने, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस छूट जाती है हमारे, इसलिए हम ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये शुद्ध है शुद्ध है। तो इसको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं कि आप डेली कम से कम एक बार जो रटने वाले हैं उनको आप एक बार नज़र के सामने से ले जाओ, ताकि आपको एक बार याद रहे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, अ और आ संबंधी अशुद्धि, जिसमें अ और आ हम अननेसेसरली या तो ऐड कर देते हैं या नहीं लिखते हैं। जैसे कि अशुद्ध, ये होता है शुद्ध। अब ये यहाँ पे क्या है, शुद्ध वाक्य है, और शुद्ध वाक्य के यहाँ पे दो कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे कि आकाश, ये अशुद्ध होता है, हम आकाश नहीं बोलते, आकाश होना है। तो अपने को अगर हमारे प्रैक्टिस नहीं है तो हम इसको भी सही मानेंगे, आकाश भी सही, आकाश ही बोलने में तो हम मोस्टली आकाश बोलते हैं, आकाश की तरफ देखो, लेकिन आकाश होता है सही। ये एक बार अगर आप देख लेते हो तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हो दिमाग में जब एग्जाम में आता है। तो एक बार इनको आप नज़रों के सामने से, जैसे आगामी या आगामी, तो ये अ और आ संबंधी है, तो एक बार इसको आप नज़रों के सामने से दो से तीन बार कम से कम एग्जाम से पहले इन सभी अशुद्धियों को, जैसे कि तात्कालिक है, तत्कालिक है, तत्कालिक गलत होता है, होता क्या है तात्कालिक, नदान नहीं नादान होता। तो ये अ और आ संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं, इसमें हर एक वर्ड संबंधी अशुद्धि होती है, जैसे कि यहाँ बढ़ी है, ऊ संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, आप डेली देखो। इसमें तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप नज़रों के सामने से ले जाइए, माइंड अपने आप मेमोराइज कर लेगा इसको। तीन से चार बार कम से कम आपको दो से तीन दिन में देखना ही है, जब तक एग्जाम है आप जितनी बार देख सको उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। हाँ, एग्जाम में क्लिक हो गया, इनमें से कोई आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर नीचे कर करके आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको डेली डेली याद हो जाएगा। आप एक बार खाली सबको एक बार पढ़ लो कि अशुद्ध क्या है और शुद्ध क्या है। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है, या ग्रहित है, आपको ये सही लगेगा, अनुग्रहित ही होता है, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, नहीं, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है अनुगृहित, ये री होता है यहाँ पर, री, अनुगृहित, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड है, आप एक बार देखोगे तो भी आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा ओके, तो हो सकता है कि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको दिमाग में क्लिक आ जाए ओके, ऋषि ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, रिद्धि ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर ये है, इसमें हर एक वर्ड के लिए शुद्ध और शुद्ध है, ठीक है, ड ड ण और ढ के लिए भी है, ठीक है, अनुस्वार या फिर चंद बिंदु के लिए भी है, न और नौ संबंधी, ये सभी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, दिन में कम से कम एक बार तो जरूर देखो। जो भी मैं याद करने वाला कंटेंट होगा मैं आपको बोलूँगा, वो आप स्क्रीनशॉट लेके दिन में कम से कम एक बार रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट आगे ले बढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ठीक है। तो कुल मिला के ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है, हम जब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से फ्रिक्वेंटली आते हैं, और उस समय अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप कहीं ना कहीं एक बार समझ जाओगे कि उच्चारण में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि हम जो उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। तो अगर आपने ध्यान से उच्चारण किया हो या कहीं पे सुना हो तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि ये सही उच्चारण क्या है उसका, ठीक है। तो हिंदी भाषा की सबसे अच्छी बात ये है, इंग्लिश में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पास्ट में जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन हैं ये। और ये रहा इसका उत्तरमाला, जब आप प्रैक्टिस करो तो आप ये आंसर से अपने मैच कर लो कि मैं सही हूं या नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस के लिए। तो ये था पार्ट टू, जो कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है शब्दों में,
उसको हम कैसे पता लगाते हैं। याद रखिए इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको स्किप मत करना, आप देख लो एक बार, नज़र में आ गया, एग्जाम में आ गया तो किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। हो सकता है दो तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही दो तो 3 मार्क्स मिल रहे, तो क्या बुराई है UPSC में, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे संधि के बारे में, ये संधि क्या होता है, क्योंकि संधि से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।